होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार प्रमेश जैन को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह पर विरोध प्रदर्शन करते समय मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदर्शन के दौरान वाटर कैनन का उपयोग किया गया, जो कि लोकतंत्र में सरकार की गलत नीतियों के विरोध करने पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचलने का प्रयास प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ज्ञापन में मांग की गई कि राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर दर्ज मुकदमे को शीघ्र वापस करने के लिए सरकार को निर्देशित करें। साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि दिग्विजय सिंह पर दर्ज किया गया मुकदमा शीघ्र वापस नहीं लिया जाता है तो कांग्रेस के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। लेकर ज्ञापन आज दिनांक को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद श्री दिग्विजय सिंह जी के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आपराधिक मामला दर्ज किया है, जो कि अनुचित है और लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार प्राप्त होता है, जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, उसके विरोध में आज हमने ज्ञापन दिया है और माननीय दिग्विजय सिंह जी के ऊपर जो अपराध दर्ज किया है उसको निरस्त करने की मांग राज्य सरकार से करने के संबंध में ये ज्ञापन प्रेषित श्रीमान तहसीलदार महोदय जी के समक्ष प्रस्तुत किया है। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग की गई? आज ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के विरुद्ध भाजपा सरकार की नाकामियों को उजागर करने का जो प्रयास किया गया और उसमें दिग्विजय सिंह के ऊपर जो झूठा आरोप लगाते हुए FIR दर्ज की गई है, उससे तत्काल निरस्त करने के लिए महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है कि राज्य सरकार को निर्देशित करें कि जो झूठी शिकायत हुई है उसे निरस्त किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में हो या प्रदेश में हो, वो लोकतंत्र व्यवस्था में विश्वास न रखते हुए लोकतंत्रीय प्रणाली से वो विजय प्राप्त नहीं कर पा रही है, इसलिए प्रदेश और देश में आतंक मचाकर और लोगों को दबाकर, लोकतांत्रिक व्यवस्था को दबाकर जहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें आज अभी माननीय दिग्विजय सिंह जी भोपाल में प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे देश वो राज्यसभा सांसद हैं और हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस कमेटी के सर्वमान्य नेता, और उन पर प्रदेश सरकार ने आंदोलन के दौरान वाटर कैनन का प्रयोग करके और आंदोलन को दबाने का कुत्सित प्रयास किया। उसी को लेकर हमारे पूर्व विधायक सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के ओम प्रकाश रघुवंशी के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने ये ज्ञापन दिया है कि दिग्विजय सिंह जी पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है प्रदेश सरकार उसे वापस ले। इस प्रकार का हमने राज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि वो प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि दिग्विजय सिंह पर शीघ्र मुकदमा वापस लें।